बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दस्तक कुकिंग ऑयल का रिव्यू, जो मेरे पास मौजूद है। ये देख सकते हैं 3 लीटर की बॉटल है दस्तक कुकिंग ऑयल। यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मौजूद है और एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, 2024 है 6ठा महीना मैन्युफैक्चरिंग डेट। और यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ट फॉर 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं, 6ठा महीना 2025। और इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1712 रुपये में आपको ये 3 लीटर की बॉटल मिल जाएगी। और ये सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है, जो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गाढ़ा कुकिंग ऑयल है। यहाँ देख सकते हैं विटामिन प्लस ओमेगा 3 और O शामिल है, विटामिन शामिल है। और यहाँ देख सकते हैं वज़न 3 लीटर की है। और ये मैंने न्यू मार्केट में देखा था, एक बेकरी से लिया था मैंने, एक बेकरी शॉप से। तो मैंने कहा चले सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं दस्तक कुकिंग ऑयल। इसमें आपको वनस्पति मिल जाएगा, जो कि मैंने यूज़ नहीं किया। इस तरह की बॉटल है, मेरा कैमरा पूरा इसको फोकस नहीं कर पा रहा है, तो देख सकते हैं आप। इस तरह की हैंडी ट्रेंडी बॉटल है, आप ईजिली पोर कर सकते हैं इसको। और ये खाने आपके खानों को फ्लेवरफुल बनाता है, टेस्टफुल बनाता है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। मैंने इसे यूज़ किया है, तो ये देखिए हाफ बॉटल मैंने यूज़ कर ली है। और ये 3 लीटर की बॉटल थी, इसमें आपको 1 लीटर वाला पाउच भी मिल जाएगा और 16 लीटर वाला कैन भी मिल जाएगा। और इसमें आपको वनस्पति मिल जाएगा, 1 लीटर वाली बॉटल्स भी मिल जाएगी, जो आपको सहूलत लगती है, जो आप प्रेफर करते हैं आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इसके बार कोड भी मेंशन है, जो प्राइस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्कैनर भी है और ये हलाल है, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स, ही पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। इन्ग्रेडियंट्स यहाँ पर मैंशन है, सोयाबीन ऑयल और कैनोला ऑयल एंड और सनफ्लावर ऑयल विथ विटामिन ए डी एंड ई, जो आप ये सब मिलकर इन सेहत के हिफाजत करते हैं और सेहतमंद बनाते हैं, आपको नुकसान दे नहीं है। और दिल जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त कुकिंग ऑयल है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। और अगर नेक्स्ट मैं इसका वनस्पति घी यूज़ करूँगा तो इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो कुछ यहाँ मिलता है इससे, यहाँ पर सब मेंशन है। तो काफ़ी अच्छा है, बॉटल काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं दस्तक कुकिंग ऑयल। और काफ़ी क्लियर आएगी, ये देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी साफ़ सुथरा है ये देखें इस तरह का। तो अगर आपको इस तरह, और ये रिजनेबल प्राइस में है, बहुत ही कम रेट में, तो बॉटल्स भी मिल जाती है। अगर ये बॉटल्स आपकी खाली हो जाए तो आप इसे फेंके ना, इसे ऑयल के लिए ही यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी हैंडी ट्रेंडी है। इस तरह से आप पोर करके इजीली अपने खानों वगैरह में डाल सकते हैं। और इसके ये हीक से पाक है और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी गाढ़ा ऑयल है, आपके खानों को मज़ेदार बनाता है, टेस्टफुल बनाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये इजीली आपको कहीं से भी पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगा। मुझे तो एक बेकरी शॉप से नज़र आया था, या जहाँ पर ऑयल डिपोर्ट होते हैं वहाँ से आप मालूम कर लीजिएगा। ये देखें, तो मैं दिखा देता हूँ किस तरह की बॉटल है ये, इस तरह की देख सकते हैं 3 लीटर की बॉटल है। और यहाँ देख सकते हैं आप, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने नहीं ट्राई किया। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।